हुरे दर्शन बिना बावरी ए बाल मघारियां साजन दर्शन बिना बावरी साया सुर बतावा दर्शन इमाम पे सलवात पढ़ूंगी ना अल्लाह। मैंने इस गिनान की वरानी बोली, तालिका मुबारक की रात मुझे इस बात का ख्याल हुआ कि मौलाना हजरत इमाम हमारे से दुनिया भानी दूर बैठा है, थोड़े थोड़े मदद के बाद हमें तालीके भेजता है। कैसे नसीबदार आदमी हैं हम लोग। लेकिन हमारे यहाँ हमारे ऐसे भाई भी हैं, हमारी ऐसी बहनें भी हैं जो हमसे बहुत ज्यादा नंबर के अंदर हैं, दूर बैठे हैं, लाखों इस्माइली, बल्कि कहूँ तो करोड़ों इस्माइली ऐसे मुल्कों के अंदर हैं कि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, उन मुल्कों के अंदर ना उनके घरों के अंदर बत्तियां हैं, इलेक्ट्रिक नहीं, ना उनके घरों के अंदर टेप वाटर है, ना उनके पास अच्छा फर्नीचर है, ना उनके पास ऐसे खूबसूरत जमात खाने हैं। गवर्नमेंट का भी दुख है क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है वो मजहब को एनकरेज करती नहीं, उनकी गवर्नमेंट उनको तकलीफें देती है कि तुम खुदा को मानो ही नहीं। एक वो लोग हैं कि जिनको बरस में एक दफा तालीका जाता है, और एक हम हैं कि हमको बरस के अंदर 40-50 तालीके तो आ ही जाते हैं। साहिब फरमान लखी मौकलिया सुनो मारा नर हरी याली सेवक संभारिया वाले आज मन महे मैया धरी याली। मौला ने हमें फरमान लिख के भेजा। जब उस भाई ने गिनान पढ़ा, शहना खत आया जम्पू द्वीप में, कुछ इस अंदाज से उसने ये पास उठाया, मेरी आंखें भर आईं। उस जमाने के अंदर के जब इमाम ईरान में रहते थे, उस जमाने के अंदर जब दुनिया भर में इमाम के हुजूर में जाना बहुत मुश्किल था, हमको इमाम की तरफ से जब तालीका मुबारक मिलता था और वो पोस्ट में नहीं आता था, हिंदुस्तान में से जम्पू द्वीप में से मौला के हुजूर में आदमी जाते थे कारसाजी लेके पीर की तरफ से, या कभी कभी पीर खुद जाते थे,
तो इमाम उनको दुआ आशीष ताली के मुबारक में लिख के अपनी मोहर लगाए। आपको मालूम है वो ताली का किस तरह लाते थे? जेब में डाल के नहीं लाते थे, उसके लिए स्पेशल लकड़ी की, और वो लकड़ी सैंडलवुड की कास्केट बना के छोटी सी संदूकड़ी की तरह अपने सिर के ऊपर उठा के ईरान या इराक में से पांव से चल के हिंदुस्तान आते थे। रास्ते में उनको ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिले, बर्फों से ढके हुए बड़े बड़े पत्थर मिले, रास्ते में वाघ और सिंह मिले, ठंडी ठंडी हिमालय की पवन आए, बदन ध्रुज आए। इन हालतों के अंदर वो अपने मौला के फरमान के ऊपर चलने लगे। वाघ ने सिहारा, राहियों ने डरा मना, ते तो चल आए अपने शाहने फरमान। सारे की नन पढ़ो तो जो मैंने आपको कहा उसके अंदर ये है, वाघ और सिंह उनको रास्ते में डरावे, उनको ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचा ऊंचा डूंगर, नीचे रड़िया मना, लेकिन ऊपर जावे तो मुसीबत में पड़ जाए। ऐसी तकलीफें उठा के ये जो राही लोग थे वो इमाम का काम करते थे, उसकी खिदमत करते थे। जम्पूद्वीप हिंदुस्तान की जमातों के अंदर से रिपोर्ट लेके मौला की मेहमानी लेके मौला के पास जाएं, और मौला के पास से तालिका लाके तो पीर के हाथ पे देवे, और वो तालिका सिर पे उठा के लाए। जब रात को सोने लगे तो उस तालिके को अपने तंबू के ऊपर बांध देवे, सिर के ऊपर, जमीन पे नहीं रखे। इतनी इज्जत उस तालिके की होती थी, इमाम का तालिका है। कुरान शरीफ पढ़ी जाती है, आपने देखा कभी मुसलमानों को कुरान पढ़ते हुए? कभी जमीन पे भी बैठे होते हैं तो W शेप की एक छोटी सी वो फ्रेम बनाते हैं, उसके अंदर किताब रख के कुरान पाक की पढ़ते हैं, जमीन पे नहीं रखते। इसको अरबी में रहल कहते हैं, उर्दू में भी रहल कहते हैं, उसके ऊपर कुरान रख के घुटने टेक के पढ़ते हैं। मैंने बहुत से जमात खानों में देखा फरमान की किताबें दुआ पढ़ते वक्त पांव के पास पड़ी होती हैं, गिनान की किताबें भी पांव के पास पड़ी होती हैं। कई लोग उठ के जाते हैं तो तस्बीहां छोड़ जाते हैं, आने जाने वाले उसके ऊपर पांव रखते हैं, वो तस्बीह इसलिए छोड़ते हैं कि मेरी जगह रिजर्व है, रुमाल रख दो। लेकिन गिनान या फरमान की किताब को जिसके अंदर इमाम की तारीफ और नाम लिखे हैं कभी जमीन पे मत रखो। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि उन जमानों के अंदर के जब दुनिया भाने इमाम बहुत दूर रहते थे, बरसों गुजर जाते थे, पीढ़ियां गुजर जाती थी, नस्लें गुजरती थी, आज भी ऐसी दुनिया के अंदर लोग बहुत इस्माइली हैं कि दिनदारों उन्होंने 20 25 30 पीढ़ियों तक हजरत इमाम को जाहिर में कभी नहीं देखा। कई उनके अंदर ऐसे हैं कि जो अपने मौला को हर रोज बातूनी हालत में देख लेते हैं, उसकी जाहरी शक्ल के अंदर भी देखते हैं, नूरानी शक्ल के अंदर भी देखते हैं, फिर भी कई ऐसे होते हैं इमाम की तरफ से मुकर्रर किए हुए कि जो जमातों की रिपोर्ट लेके हर 6 महीने मौला किधर भी होवे, जो मेजर जमाते हैं उनकी रिपोर्टें मौला को पहुंचती हैं। मगर हम इस्माइली दुनिया के अंदर एक ऐसी कौम है जिनका इमाम मालिक हमेशा जिंदा है, हम उसको अल्लाह का नूर समझते हैं, हम उसको अपना माँ बाप समझते हैं, हम उसको राजा बादशाह समझते हैं, हम उसको अपना मालिक समझते हैं,
हम उसको अपना लीडर समझते हैं, हम उसको अपना डॉक्टर समझते हैं, बीमार होते हैं तो उसके पास जाते हैं, हम उसको अपना एडवाइजर समझते हैं, जब हमें कोई तकलीफ हो जाती तो सलाह लेने जाते हैं। हमारा सब कुछ वही है, हमारा सब कुछ वही है। इसलिए हमारी यूनिक जमात और जमात के अंदर जो विचार और ईमान और अकीदा है वो भी दुनिया में ऐसा किसी और जगह नहीं है, कहीं नहीं। इस्माइली लोग अपने दिलों में अपने मौला को याद करते रहते हैं। हमारी जमात के अंदर, हर जमात के अंदर, चाहे छोटी हो बड़ी हो, ऐसे लोग हैं कि जो अंदर अंदर अपने मौला के साथ ताल्लुक रखते हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने मौला को याद करते रहते हैं और जमात के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में वो इस तरह बैठा है कि जिस तरह फूलों में बास बैठी है। ऐसे हैं जिस वेदना घड़ी दो हेली जावे, जिस घड़ी दो हेली जावे, सोपिया मरे मंदिरा आवे, साहेब जी तू मरे मन। जिसके बगैर एक एक घड़ी मेरी कठिन हो रही है, जुदाई महसूस कर रहा है। जब मैं दुखी हो जाती हूँ, सखी के तौर पे पीर गिनान में कहते हैं, तो वो मेरे दिल में आ जाता है, मेरा दुख उससे सहन नहीं होता। हमरे दर्शन बिना बावड़ी, मौला तेरी जुदाई में, पीर हसन कबीर दीन कहते हैं कि तेरी जुदाई में एक दीवानी की तरह हो गई हम। बालम घर आ, बहुत मुद्दत से तुम बाहर गया है, साजन घर आ, बंदो भूले उतारी बंदगी। मैं तो अभी जुदाई को ऐसा महसूस कर रहा हूं कि तेरी बंदगी भी अब नहीं हो सकती उस कठिनता के अंदर। जब मुरीद के दिल के अंदर इमाम की याद तेज हो जाती है, ऐसा होता है कभी कभी, जो लोग इबादत करते हैं, जो मोमिन हैं, मोमिन माशाल्लाह सब हैं, लेकिन जो इबादत करते हैं, जो इमाम के दिल के करीब हैं, जिनके दिलों में इमाम बैठा है, उनके ऊपर इस किस्म की हालत होती है, वो कभी उदास हो जाते हैं मौला की जुदाई में, और कभी उसको देख लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। दिन और रात की तरह उनका हिसाब है कि जब सूरज निकलता है तो वो खुश हो जाते हैं, रात अंधेरी होती है तो बेचारे उदास हो जाते हैं। पिंजर पड़ियो परिवार नो कोई कबूजत जन्ना, परिवारनु कोई कबूजत जन्ना, मेरे तन की वेदना, मेरे तन की वेदना, साया सूरत बतावा हूँ
पूरे दर्शन वीणा। ऐसी हालत जब इंसान की होती मुरीद का दिल जब बेचैन हो जाता है दीनदारों तो उसको भी सुख नहीं आता, वो भी बेचैन हो जाता है। आंख देखी एक बात करूं, 1940 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बंबई आए थे। उस वक्त इमाम ने फरवरी की 2 तारीख बकरे की ईद थी तो बकरे की कुर्बानी भी की। साहब ने हसनाबाद के अंदर इधर टुवाल बांधा और कसाई बकरा लेके हाथ पांव बांध के उसको रख दिया। पहले मौला ने नमाज पढ़ाई। उन खुश नसीबों में कि जिन्होंने हाजिर इमाम जमाने के इमाम के पीछे नमाज पढ़ी, आपके सामने एक ये गुलाम खड़ा है। कसाई ने मौला के हाथ में चूरी दी और वो खुद बैठा था। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, मौला ने चूरी फिराई, बस उसको कुर्बान किया। कैसा वो भी कैसा जीव होगा जमाने के इमाम के हाथ से शहादत पाए। बस उसी वक्त उसने कसाई ने तो बाकी का काम शुरू किया। मौला ने जो जमात के बड़े बड़े लोग थे उनको थोड़ा थोड़ा गोश्त भेजा। तीसरे या चौथे दिन मौला बारपीटा स्टीमर में बैठ के चले जाने वाले थे। बम्बई से कराची जाते थे, कराची से बड़ी स्टीमर में बैठ के चले गए। लड़ाई का जमाना था। हसनाबाद है, इसके थोड़ी आगे मसगाम का सेंटर है। लेफ्ट साइड के ऊपर एक मील जितना दूर जाओ तो बम्बई के डॉक यार्ड हैं, स्टीमरें हैं, स्टीमरें रिपेयर भी होती हैं। इस डॉक यार्ड के अंदर एक मोमना इस्माइली मैकेनिक का काम करता था। जवान बच्चा, सारी फैमिली को पालता था। बहुत दिनों से उसने दीदार नहीं किया और जमात के अंदर अनाउंस हुआ कि आपकी कल 24 फरवरी थी, आपकी कल हजर इमाम इस मुसाफरी का छेला दीदार देंगे। और फिर शाम को मौला चले जाते। इसने बहुत दिनों से दीदार नहीं किया था, ड्यूटी पे रहता था। सुना आज दीदार आखिरी है, लड़ाई का जमाना था, छुट्टी भी नहीं ले सकता था। मौला सुबह आते थे 9 बजे, इसकी ड्यूटी शुरू हो जावे 7 बजे। इसने अंदाजा लगाया मौला 9 बजे आते हैं और इधर से तो 15-20 मिनट का 5 रास्ता है। 8:30 बजे अपने सुपीरियर के पास जाके कहता है मुझे एक सख्त काम है, मेरे को 1 घंटे की इजाजत दो। मैं सोचा मैं दूर से खड़े खड़े मौला को देख लूंगा, बस उसको देखना ही है ना। जो आशिक हैं वो नजदीक जाने की कोशिश भी नहीं करते, वो तो दूर से अपने दिल को बहला लेते हैं। देख लेते हैं तुझे दिल की भुजा लेते हैं, देख लेते हैं तुझे दिल की भुजा लेते हैं, जेर दीवार खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं, जेर दीवार खड़े हैं। तेरे घर पे तो आता नहीं, खिड़की के नीचे खड़ा हूँ मैं, तेरा क्या लेता हूँ, तुझे देख लेता हूँ तो दिल की आतिश बुझ जाती है। सुपीरियर अच्छा था, उसने बोला जाओ। ओवरऑल पहना है, पता मैकेनिक लोग वो पतलून और ऊपर कपड़ा सब एक ही पीस होता है, हाथ भी गंदे,
बालों के अंदर ऑयल लगा हुआ, इतने तो फुर्सत का के घर जावे नहा धो के कपड़े पहन के। इसी तरह आया भागा भागा, इसको तो देखना ही था ना मौला को। जिन आंखों से मौला का मोमन मौला को देखता है, वैसी आंख दूसरे की नहीं होती। और मौला भी अपने मोमन को जिस नजर से देखता है, दूसरों को उस नजर से नहीं देखता। इन निगाहों निगाहों के अंदर मैसेजेस हो जाते हैं, निगाहों निगाहों में। नैनो से नैना मिला वो मेरे साहेबा, अब तेरी मोहब्बत। इस आदमी को यह ख्याल था कि मैं मौला को जाते ही देख लूंगा। जब हसनाबाद पहुंचा तो मौला तो अंदर आ गए थे, दरवाजे बंद हो गए, वॉलंटियर जाने दे रहे। और वो भी इसको गंदे कपड़े तेल से भरे हुए हाथ और मुंह, बाहर खड़े रहो। बहुत करगरा, बहुत आजीवी की भाई साहब अंदर है, मैं तेरे को भी कैसे जाने दू। खड़ा रहा, इसने सोचा भैया तो बात नहीं बनेगी, साहब तो गाड़ी में अंदर से बैठ के फूस करके निकल जाएंगे गाड़ी में। ये पीछे से गया और पीछे अपनी चाले हैं, उधर से एक दीवार कपी इसने और चला गया अंदर। अंदर जैसे ही गया तो इमाम खूबे के ऊपर घूम रहे थे, इर्द गिर्द ऑफिसर अमलदार थे। बहुत बेचारे ने कोशिश की, इधर भागा उधर भागा उधर जावे के किसी तरह से मुझको मौला का चेहरा मुबारक दिखावे तो दिल को सधियारा हो जाए। लेकिन मौला किधर उसको दिखे नहीं। सब नीचे उतरे, दरख्त के ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो वहां और लड़के भी बैठे थे। बहुत बेचारा निराश नाउमीद हो गया, हमारे दर्शन बिना बावरी, दीवाने की तरह इधर उधर घूम रहा था। विसल हुई, उसकी निशानी ये थी कि बस मौला गाड़ी में बैठने वाले हैं और अभी गाड़ी निकल जाएगी। जैसे ही विसल हुई मौला खड़े रहे, बैंड ने सलामी दी, ये आखिरी चीज है। सलामी के बाद मौला गाड़ी के अंदर। इसने दिल में सोचा लड़ाई का जमाना ना मालूम मौला कब आए और मैं भी कैसा बदनसीब, मुझे दीदार ना हुआ। हसनाबाद के अंदर जमात खाने के पीछे एक कुआं है, उस कुएं के करीब एक दरख्त था, उसके आजू बाजू में बहुत सी जूतियां लोगों ने रखी हुई थी। बस इसका दिल टूट गया, नाउमीद हो गया, जूतियों के ऊपर से जाके और कोई जगह नहीं थी, दरख्त के साथ खड़ा हो गया। ऐसा टेक लगाई, सिर लगाया, आंखें बंद की, रोने लगा। जब मोमन के दिल में बेचैनी होती है तो उसके दिल में भी राहत नहीं होती। इस्माइली मजहब जो है, अगर आप उसकी हकीकत को समझ सको तो उसकी हकीकत यह है, ये दुआ, ये नांदी थार सुफरा न्यास वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हमारे मजहब की क्रियाकर्म है, लेकिन ये चीजें हमारे मजहब की हकीकत नहीं। हकीकत तो मोहब्बत है। इस्माइली मजहब की हकीकत क्या है? हजर इमाम के साथ प्यार, और वो प्यार के जिसको हकीकत में प्यार कहते हैं। अब तेरी मोहब्बत लागी मेरे साहेबा,
अब तेरी मोहब्बत लागी छेल छबीला सुनो अलबेला मैया तू दिल विच लावो मेरे साहेबा अब तेरी मोहब्बत लागी। छेल छबीला किसको कहते हैं कि जो हमको अपनी चैन चाले से अपनी चालाकियों से अपनी शरारत से हमको बनावे कभी दूर भाग जावे कभी नजदीक आ जावे। जैसे बात छोटे छोटे बच्चे हाथ में नहीं रहते तो छेल छबीला सुनो अलवेला। अलवेला कैसे हैं न्याय की खूबसूरत जिस जैसा कोई दूसरा होवे नहीं उसकी याद आए उसका बांकपन उसकी खूबसूरती उसकी बड़ाई उसकी मोहब्बत उसका इश्क ये सब चीजें देश के जो आशक है दिल में खुश भी होता है और बेचैन भी होता है। उस बच्चे की तरह कि अंगूर का एक गुच्छा उसके सामने रखो वो पकड़ने जाए तो उठा लो फिर बेचारा निराश हो जाए फिर उसको नीचे करो फिर पकड़ने जाए फिर ऊंचा कर लो। अरे दिनदारो मौला भी इबादत में हमारे साथ ऐसा करता है ये देखने के लिए कि तुम थक जाते हो मोहब्बत करने में कि जमे रहते हो। दुनिया के दुख वो भी छेल छबीली बात में आती है दुख आते हैं तकलीफें आती हैं बीमारी आती है गरीबी आती है बेइज्जती हो जाती है कई तरीके से दिल के ऊपर गोदे लगते हैं मगर जो आशिक हैं वो अपने मौला की मोहब्बत को दिल से छोड़ते नहीं। ये सब कुछ उनका इम्तिहान होता है आखिर इंसान है ना। जब इंसान मौला की मोहब्बत में इस किस्म के बहुत से इम्तिहानों परीक्षाओं में निकलते निकलते जब थक जाता है तो फिर वो भी बैठ जाता है चलनते चलनते हम थक गया स्वामी हवे नहीं रे चलाए थक गया ये भी थक गया। इसने देखा कि अभी मौला बैठ के गाड़ी में चला जाएगा सारा महीना दीदार नहीं किया अपने दिल को कोस रहा था रो रहा था आंखें बंद। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने बड़ी शांति के साथ हाथ नीचे रख के ध्यान के साथ अपना एंथम सुना। जब ये एंथम पूरा हुआ आपको बताऊं एंथम का कैप्टन कौन था उस वक्त इंडिया की जो अभी फेडरल काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है मोरानी इसके पहले जो फेडरल काउंसिल का प्रेसिडेंट था अली मोहम्मद पदम की वो बैंड मास्टर था। नेशनल एंथम मौला के शान का पूरा हुआ इमाम नजदीक आए एक एक को वो जो आशीष पर मैं हाथ रखा माशाल्लाह बहुत अच्छा बजाया। मौला इंस्ट्रूमेंट देखने आए कितने बरस आता था आज ही इसको इंस्ट्रूमेंट देख रही थी लेकिन कोई इसके दिल को हचमचा रहा था और ये बहाने ढूंढ रहा था उसके पास पहुंचने के। इंस्ट्रूमेंट देखते देखते साहब ऐसा नजदीक आते गए लोग हटते गए इसके पीछे कुछ लोग थे उसके पीछे वो झूठे थे और वो दरख्त था और वो वहां था। मौलाना हाज सुल्तान मोहम्मद से हाथ में लकड़ी जैसे जैसे आगे होता जा रहे लोग हटते जावे साहब की नजर पड़ी दरख्त के साथ टेक लगा के एक गंदा बच्चा बाल ऑयल से भरे हुए ग्रीस के साथ हाथ भी खराब हुए हैं कपड़े उसके गंदे हैं लेकिन माँ के लिए बच्चा गंदा होए कि कैसा होए। माँ बाप चलते 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 उसके पास पहुंचे जूतियों के ऊपर से चल के मौला नजदीक पहुंचे लोग हैरान हो रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा। मौला उसके पास पहुंच के उसकी गर्दन के पीछे हाथ डाला
इस हालत में उसको सीने से लगाया। आंख खोलता है तो इमाम के सीने से लगा है। माँ बाप फरमाते हैं, तुम भी हमारा बच्चा है, तुम भी हमारा बच्चा है। वो इतना एक मिनट के लिए तो बिल्कुल हैरान हुआ कि मैं ये क्या देख रहा हूं। जिस रवि ना घड़ी दो हेली जावे, सो पिया मेरे मंदिर आवे, मेरे पास चल के आया।